नमस्कार, दिव्य हिमाचल वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं वर्षा और मैं दामिनी कपूर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पनारसा में दाड़नी का पौधा रोप, सीएम ने किया 70वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आगाज। मंडी पहुंची दिल्ली से चली विजय ज्योति, सेरी मंच पर हुआ भव्य स्वागत। धनेश्वरी ठाकुर को भाजपा महिला मोर्चा की कमान, संगठन ने बनाया कार्यकारी अध्यक्ष। बिहार के गया में मिले सुजानपुर बाल आश्रम से भागे दो बच्चे। मणिमहेश यात्रा में इस बार ऑनलाइन नहीं मिलेंगी हेली टैक्सी की टिकटें। पहाड़ का किसान डीपुओं की बायोमेट्रिक मशीन के आगे बेबस। कल से प्रो कबड्डी सीजन 7 का रोमांच, नालागढ़ के 3 खिलाड़ी दिखाएंगे दम। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को पनारसा में दाड़नी का पौधा लगाकर 70वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वन विभाग द्वारा रोपे गए 70% से ज्यादा पौधे सही तरह से फल फूल रहे हैं। सरकार का प्रयास होगा कि भविष्य में सर्वाइवल रेट बढ़ाया जाए ताकि हम आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ वातावरण दे सकें। पिछले साल वन महोत्सव पर 3 दिन का विशेष अभियान चलाया गया था जिसमें 17 लाख पौधे रोपे गए थे। इस बार अभियान 5 दिन का है और लक्ष्य 25 लाख से अधिक पौधे रोपने का है। सीएम ने जनता से आह्वान किया कि वे अभियान में अपना पूरा सहयोग दें। अब की बार 20 तारीख से 24 तारीख तक ये 5 दिन का ये अभियान चलेगा और 5 दिन के इस अभियान में हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि अब की बार 25 लाख प्लांटेशन हम हिमाचल प्रदेश में करेंगे। मैं सभी वन विभाग के अधिकारियों का, मंत्री जी का और पूरे स्टाफ का इस बात के लिए उनको बधाई देता हूँ कि बहुत बेहतरीन प्रयास हो रहे हैं फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए, फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए। कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली से चली विजय ज्योति शुक्रवार को मंडी पहुंच गई। यहां सेरी मंच पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शहादत की लौ का भव्य स्वागत कर शहीदों को नमन किया। देश के विभिन्न शहरों से होते हुए विजय ज्योति 26 जुलाई को जम्मू के दराज सेक्टर पहुंचेगी, जहां इसे कारगिल युद्ध स्मारक पर जल रही अखंड ज्योति में विलीन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल युद्ध में हिमाचल के 52 जवानों ने शहादत का जाम पिया था, जिसमें मंडी जिला से 12 रणबांकुरे भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा में पहाड़ के जवान कभी पीछे नहीं हटे हैं। ऐसे जवानों को हर हिमाचली सलाम ठोंकता है। कारगिल का शहीद हुए परिवारों के लिए हर संभव जो मदद की जा सकती थी वो करने की कोशिशें हुई हैं और हिमाचल प्रदेश में 28 आश्रितों को पेट्रोल पंप गैस एजेंसी आवंटित की गई और आज की परिस्थिति में भी हम इस बात को कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से युद्ध अथवा सैन्य ऑपरेशन में शहीद सैनिकों के आश्रितों के लिए जो हमने 20 लाख रुपए देने का जो है मदद देने का जो प्रावधान रखा है और उसके अतिरिक्त जो घायल होते हैं उनके लिए हम 5 लाख रुपए देते हैं। इंदु गोस्वामी के इस्तीफे के बाद प्रदेश भाजपा ने धनेश्वरी ठाकुर को महिला मोर्चा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने इंदु गोस्वामी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। धनेश्वरी ठाकुर वन मंत्री गोविंद ठाकुर की बहन है और वह पूर्व की धूमल सरकार में महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। इसे देखते हुए भाजपा ने उन्हें महिला मोर्चा की कमान सौंपी है। उधर पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने बताया कि इंदु गोस्वामी ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है और संगठन ने धनेश्वरी ठाकुर को महिला मोर्चा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। एटर्नल यूनिवर्सिटी बडू साहिब सिरमौर एक वैल्यू बेस्ड शिक्षा आधारित शैक्षणिक संस्थान, गुणवत्ता सहित संस्कार मिश्रित विश्व स्तरीय शिक्षा हासिल करने के लिए आए बडू साहिब। छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स व मैथमेटिक्स, पंजाबी, इंग्लिश, मनोविज्ञान, संगीत, लाइब्रेरी साइंसेज, ICT व IT सहित BEd और नर्सिंग में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तथा PhD की शिक्षा। सभी खर्चों सहित सालाना फीस अन्य सभी विश्वविद्यालयों से कम। कैंपस प्लेसमेंट में अग्रणी कंपनियों में छात्राओं को 6 लाख तक का पैकेज प्राप्त, साथ ही इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा के लिए अनुबंध। एडमिशन प्राथमिकता के आधार पर 70% से अधिक प्राप्त अंकों पर स्कॉलरशिप। आज ही संपर्क करें या फिर लॉगिन करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
सुजानपुर बाल आश्रम से भागे 4 में से 2 बच्चों को बिहार के गया से पकड़ लिया गया है। इनमें से 1 बच्चे को लेकर पुलिस टीम हमीरपुर ला रही है, जबकि दूसरे ने आने से मना कर दिया है। ये बच्चा गया का ही रहने वाला है। उसने बकायदा चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी गया के समक्ष कहा है कि वह परिजनों के साथ ही रहना चाहता है। इस पर पुलिस ने उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया है, जबकि दूसरे बच्चे को हमीरपुर लाया जा रहा है। ये बच्चा भोटा हमीरपुर का ही रहने वाला है। बता दें कि 9 जून की मध्य रात्रि सुजानपुर बाल आश्रम से 4 बच्चे दीवार फांद कर भाग गए थे। इनमें से 2 बच्चों को 1 सप्ताह के भीतर दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास पकड़ लिया था, जबकि 2 की तलाश जारी थी। उधर एसपी हेडक्वार्टर हितेश लखनपाल का कहना है कि बाल आश्रम से फरार 2 बच्चों को पुलिस ने बिहार में बरामद कर लिया है। उत्तरी भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा में इस बार हेलीटैक्सी की टिकटें ऑनलाइन नहीं, बल्कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेंगी। टिकट ब्लैक होने पर सेवा देने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। शुक्रवार को यात्रा की तैयारियों को लेकर उपायुक्त विवेक भाटिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह फैसला लिया गया। साथ ही अभी तय हुआ कि इस बार जिला मुख्यालय चंबा से गौरीकुंड के लिए हवाई उड़ानें करवाने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। पहाड़ का किसान टेक्नोलॉजी के आगे बेबस हो गया है। दिन भर खेत में पसीना बहाकर जब डिपो में राशन के लिए तरसना पड़े तो पीड़ा और बढ़ जाती है। नेरवा के किसान बागवान इन दिनों डिपो की बायोमेट्रिक मशीन से खासे परेशान हैं, क्योंकि जब भी मशीन में अंगूठा या अंगुली का निशान स्कैन किया जाता है तो मिलान ही नहीं होता। इस वजह से उन्हें बिना राशन लिए घर लौटना पड़ता है। अब किसान भी सच्चे हैं, क्योंकि खेतों में काम करके उनकी अंगुलियां घिस चुकी हैं, जिस कारण बायोमेट्रिक मशीन से मिलान ही नहीं होता, या कई बार हाथों में खेत की मिट्टी रह जाती है, जिस कारण अंगुलियों के निशान मैच नहीं होते। टेक्नोलॉजी के सताए किसानों ने अब सरकार से मांग की है कि ऐसे सिस्टम को बदलकर कोई कारगर या वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, ताकि आसानी से सस्ता राशन मिल सके। ऐसा ना, जब यहाँ पर हम खड़े होते हैं तो कई बार मशीन नहीं चलती, कभी सिग्नल नहीं है, कभी कुछ नहीं, अंगूठा लगता ही नहीं है, तो नहीं लगा तो फिर सामान ही नहीं मिलता है, और इतना टाइम लगता है, सारा दिन फिर यहाँ खड़े रहना पड़ता है, ये मशीन नहीं चलती। यहाँ पर चाहिए थे वही जो पहले वाला सिस्टम है वो ठीक है। दिक्कत अभी है कि सोसाइटी जाने पर हमारे बड़ी दिक्कत होती है कि गुंठा प्रिंट करो जी, वो फलाना करो, मेरे को बड़ी समस्या होती है कि क्या बात है। सर हम किसान हैं, हमारे हाथों में मिट्टी मिट्टी लगती है, इस कारण से दिक्कत बहुत होती है, गुंठा प्रिंट थोड़ी कर हमारा परेशान होना पड़ता है। हम जो है किसान लोग हैं, खेतों में काम करते हैं, कई बार हाथ में मिट्टी भी अलग जाती है, तो इस प्रकार से जो है हमारे फिंगर ठीक नहीं आते, इसमें मिट्टी के कण रह जाते हैं, इस प्रकार हमारे जो है फिंगर प्रिंट अच्छी तरह से नहीं आते। अंगूठा जब लगाते हैं तो इससे अंगूठा नहीं पकड़ता है, तो उसकी वजह से बहुत परेशानी होती है, काफी टाइम लगता है, मजदूर लोग हैं, उसकी वजह से परेशान है। और अब वक्त है खेल समाचार का। हैदराबाद में शनिवार से शुरू होने जा रहे प्रो कबड्डी लीग सीजन 7 में नालागढ़ से 3 खिलाड़ी फील्ड में उतरेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी स्टार एवं पद्मश्री अजय ठाकुर चौथी बार तमिल थलाईवास की कप्तानी संभालेंगे। अजय ठाकुर प्रो कबड्डी लीग में 753 रेड प्वाइंट लेकर टॉप 3 में जगह बना चुके हैं। इसके अलावा धबोटा निवासी हेमंत चौहान दूसरी बार तमिल थलाईवास और बलदेव सिंह बंगाल वॉरियर्स के लिए खेलते नजर आएंगे। तमिल थलाईवास का पहला मुकाबला रविवार को तेलुगु टाइटंस के साथ होगा। और एक नजर खास खबर पर। यह गाय बहुत खास है, और हो भी क्यों ना, खूबियां ही कुछ ऐसी हैं। जमुना नाम की यह गाय 10 साल से बिना गर्भ धारण किए रोजाना 3.5 लीटर दूध दे रही है। नाहन के जामली गांव के महेंद्र सिंह कहते हैं कि गाय की उम्र 24 वर्ष की हो चुकी है और वर्ष 2009 में अंतिम बार गर्भ धारण किया था। इसे करिश्मा ही कहें कि गौ माता तब से लेकर रोजाना 3.5 लीटर दूध दे रही है। गाय की मालिकिन सुमित्रा देवी कहती है कि जिस तरह से जमुना बहती है उसी तरह से उनकी गाय दूध की धारा बहा रही है। मेरी 42 साल हो गई शादी, और मेरी माता जी ने ये मेरे को इसकी जो नानी पर नानी थी वो दी थी, बहुत पुरानी गाय दी थी, तो उसका पौधा मेरे पास से चला हुआ है जिसका नाम मैंने जमुना रखा हुआ है। और जैसी जमुना बह रही है ऐसे ही इसका दूध मेरे घर में बह रहा है, और इसको हमने संभाल के भी ऐसा रखा है जैसा कोई अपने परिवार बच्चे को रखे, संभाल के ऐसे संभाल के रखा है। खाने का पीने का हर एक किस्म का हमको पता है कि कैसा ये खाती है कैसा पीती है। विभागीय एक्सपर्ट्स की एक टीम मेरे द्वारा भेजी गई थी पर्टिकुलर गांव में, जैसे ये रिपोर्ट मिली तो यही पाया गया कि गाय मिल्क में है, दूध दे रही है,
लेकिन एक टिपिकल कंडीशन ड्यू टू हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, जो टेक्निकल टर्म में हम निम्फोमेनिया कहते हैं, उससे गाय ग्रस्त है और ओनर ने उसका कोई उपचार भी नहीं करवाया, लेकिन अभी तक वो दूध में बनी हुई है। इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद जो गाय दूध दे रही है उसमें मेनली फार्मर की मेहनत छुपी हुई है, और क्योंकि उसने गाय का फीडिंग का पैटर्न बहुत अच्छा रखा हुआ है, आज भी वो उसको 5 किलो से अधिक फीड भी दे रहा है और चारा, हरा चारा और वीट भूसा, एक बैलेंस डाइट उस एनिमल को मिल रही है और इसकी वजह से अभी तक इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद भी वो दूध में बनी। और अब चलते चलते दितलाई सहकारी सभा समिति में घपले के आरोप पर 2 गिरफ्तार, पुलिस ने राजस्थान से दबोचे शातिर। एयर इंडिया का विमान गगल एयरपोर्ट पर खराब, दिल्ली नहीं जा पाए 60 यात्री। नेरचौक में चेकिंग के लिए नहीं रुका जीप चालक, पुलिसकर्मी पर गाड़ी चढ़ाकर भागने का प्रयास। और कश्मीर में शहीद हुए किन्नौर के जाबाज को सैकड़ों लोगों ने दी अंतिम विदाई। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं विक्की कौंडल की आवाज में ये कुलवी गीत। कुलवी ता छूटे मरोणा कहा, रोपा बोला की जीरा लाना, लाना गलाड़ी ये सूर महा, रोपा बोला की धन भी ता शुका बोला रूही रा, भत मारे की जीरा खाना गलाड़ी ये सूरमा, भत मारे की जीरा खाना। आगो तागो चालो सूरमा, पीछो चलने गिरा घोड़ा, घोड़ा गलाड़ी ये सूरमा, पीछो चलने गिरा घोड़ा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।